आर्टिकल 35 ए को लेकर जो रियासत के अंदर बेचैनी से चल रही है, इस वक्त रियासत हमारे जम्मू कश्मीर बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है और खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। और हम आपको याद लाना चाहते हैं कि 2014 में एक एनजीओ ने विदी सिटीजन करके नाम था, उसको बैक कर रही थी आरएसएस। उन्होंने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसके बाद कुछ और लोगों ने भी यहाँ पर पिटीशन फाइल की जो क्लब हो गई हैं। और इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर जो है 35A को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट ने एफिडेविट काउंटर एफिडेविट फाइल करने होते हैं, उन्होंने कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं की है। रियासत की जो हमारे इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं, क्योंकि आर्टिकल 35A जो है उसी के तहत हमारे जो लैंड्स जो हमें स्टेट सब्जेक्ट का जो राइट है वो आर्टिकल 35A के तहत आता है। हमारे लोगों को जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं वो यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं, और 35A के तहत हमारे जो नौजवानों को यहाँ पर नौकरी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट में 35A के तहत मिलती है। और उसके बाद हमारी उस 35A के तहत ही बच्चे जो है कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो है 35A के तहत ही असेंबली में डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रोल इलेक्शंस के बारे में जो कौन है जो वोट इसमें कास्ट कर सकता है, कौन है परमानेंट सिटीजन, ये डिफाइन करने के जो लेजिस्लेटिव पावर जो है 35A ही जो है ये डेरिवेटिव होती है फ्रॉम दी आर्टिकल 370। हम इसमें जो प्रो एक्टिविस्ट जो जम्मू कश्मीर में फोर्सेस हैं आर्टिकल 35A की प्रोटेक्शन की बात कर रही हैं, हम अपने पूरा उनको सपोर्ट देते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम ये करना चाहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को वार्न करना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लाइटली मत लें, क्योंकि अगर 35A ख़त्म हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास खाली डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आप इस वक्त ऐसे हालात मत बनाएं कि जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त है उसको ख़त्म करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। और ख़ास तौर पर हम अपील करेंगे जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, अगर 35A का सबसे बड़ी सेटबैक पहुंचेगी वो जम्मू के बिजनेस क्लास को पहुंचेगी, क्योंकि जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं सबसे फर्स्ट फेज में वो टारगेट करेंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोगों को खुल के सामने आना चाहिए। आप देख लें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट वालों को हम कहना चाहते हैं कि आप देख लें जो बिहार में लोग रहते हैं उनकी क्या हालत है, आप उड़ीसा की हालत देख लें, आप उत्तर प्रदेश की हालत देख लें। तो सबसे बड़ा सेटबैक फर्स्ट पेज में जम्मू को पहुंचेगी। और हम जो कश्मीर ट्रेडर एसोसिएशन जो इसमें जितने भी जिन लोगों ने बार एसोसिएशन श्रीनगर ने जो कॉल दी है, हम सबकी सपोर्ट करते हैं और हम उनके सामने शाना बशाना खड़े हैं। और हम ये भी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 35A के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और इसको बिल्कुल रिमूव ना किया जाए, क्योंकि होम मिनिस्टर हमारे जो राजनाथ साहब हैं उन्होंने बड़ी बार कहा है, मीडिया के सामने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द इसका परमानेंट जो है इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, और वो 35A के जरिए से ही मैंडेट हासिल करना चाहते हैं इंडिया में, जो उनकी गलतफहमी है। 35A से वो बिल्कुल मैंडेट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट में भी उन्होंने यही सोचा था कि अफसल गुरु को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, तो जब उनको सजाए मौत दी थी अफसल गुरु को, तो एक जमात ने सोचा था कि शायद हम हिंदुस्तान में मैंडेट लेंगे, लेकिन उनका सफाया हो गया था। इसलिए आप जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटीमेंट्स की, इमोशंस की और उनकी फीलिंग्स की कदर करते हुए जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट हल है वो आपको करना पड़ेगा, वो ट्रायल लीटर टॉक से आपको डायलॉग से हल करना पड़ेगा। 35A रिमूव करने से आप कुछ नहीं हासिल करोगे, लेकिन यहां पर एक नई जंग छिड़ जाएगी। तो ये सेंसिटिव इश्यू को मानते हुए इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। बार एसोसिएशन जो भी इसकी प्रो फोर्सेस हैं आर्टिकल बचाने के लिए 35A के साथ बिल्कुल शाना बिशाना सुरंकोट उनके साथ खड़ी है। थैंक यू। ये ऐसा जुमरा है कि जो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर का आरजी लिंक जो है वो हिंदुस्तान के साथ 1947 में हुआ, जो कि उस वक्त मेजॉरिटी ने कबूल नहीं किया था, और इसकी मुतनाज़ा हैसियत को भी सामने करता है। अगर आप इसको भी ख़त्म कर दोगे तो फिर साफ जाहिर है कि ये जितेंद्र सिंह के कहने से नहीं बनेगा यूपी या बिहार या आसाम, जम्मू कश्मीर की अपनी खसूसियत है। और ये आर्जी अलाक महाराजा ने किया था, वो अलाक सब पढ़ सकते पढ़े लिखे लोग, कि जब यहाँ अमन हो जाएगा तो लोगों को पहली साइड का मौका दिया जाएगा। पहले तो ये बैन अवी सतह पे यूएन में रेजोल्यूशन है उसको पढ़ लीजिए कि मौका दिया जाएगा। फिर हिंदुस्तान ने एक वादा किया था भुट्टू के साथ, इंदिरा जब कार्ड हुआ तो उसमें कहा गया था कि दोनों मुल्क आपस में बैठ के बात करेंगे। आज जितेंद्र सिंह के कहने से ये थोड़ा हो सकता है कि कोई मसला ही नहीं है, अगर वो दिन को रात कहेंगे तो कोई नहीं मानने वाला। ये एक मसला है, और इसमें जो फरीक हैं वो तीनों फरीक हैं, तीनों को मिल बैठ के यहाँ पे
इस मसले को हल करना चाहिए और यहाँ अमल लाना चाहिए। रोज जनाजे, रोज लाशें, ये खून खराबा, ये खून आदम पानी की तरह बह रहा है, इसको खदारा बंद कीजिए। असल में बात यह है कि पोलराइजेशन हो रही है और आगे इलेक्शन आने वाला है। बीजेपी अपने, मैं जो समझता हूँ, बीजेपी अपने जो वादे किए थे, रोजगार के वादे, काला धन लाने के वादे, महंगाई खत्म करने के वादे, करप्शन खत्म करने के वादे, उसमें नाकाम हो गई है। अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके गाय के नाम पे लोगों को परवाना ये करके बड़ी खतरनाक सूरत हाल से मुल्क पूरे इसको दोचार कर रही है। इसको बंद किया जाए ऐसे अरबों को, और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए ताकि अमन कायम हो। अमन से ही कोई खुशहाली हो सकती है, अमन से ही यहाँ मुल्क आगे बढ़ सकता है। मेरा यही कहना है और ये मैं कहूँगा कि जो लोग इसके लिए बरसरे बेगार हैं, इसके जज साहब ने कहा डिफेंस में आए हैं, उनके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। ये मत समझिएगा कि ये कोई एक वादी का ही मामला है। अगर आप इससे छेड़छाड़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना चुनाव भी उबलेगा और कितना पीर पंजाब भी उबलेगा, और सबसे ज्यादा नुकसान इसका जम्मू के लोगों का होगा। आज वो जो ऐश कर रहे हैं, अगर ये खत्म हो गया तो वहाँ दिल्ली का आके बम्बे का लाला बैठ जाएगा तो इनको कौन पूछेगा। इसलिए रियासत की पूरी अवाम इसके साथ खड़ी है, 51 के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, 370 ना किया जाए, और अवाम दोस्त पॉलिसियों को अपनाया जाए। वोट आपको खुद ब खुद मिलेंगे। खुदा रहा इसको खून खराबे को प्रदर्शन को बंद किया जाए। थैंक यू वेरी मच।